और जमशेदपुर भाजपा के एसटी मोर्चा के जिला मंत्री मनोज सरदार और आजसू के पोर्ट का प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोप ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर बरसे तो कहा कि पोर्ट का विधानसभा के बेरोजगार युवाओं को झामुमो सरकार अब तक रोजगार नहीं दे पाई है, दूसरे राज्य में युवा पलायन कर रहे हैं और उनका शोषण भी हो रहा है। बनाएंगे, आप देख लीजिए हमारे जो वर्तमान जो सरकार है हेमंत सरकार जी, जनता का साथ छलने की काम किया है, जिम्मेवार ये है। आज देख लीजिए ये हमारे जनता के साथ जो खिलाफी किया है, जनता पलायन कर रहा है। हम आज हेमंत सोरेन सरकार ने वादा किया था कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे। हम लोग आज पुटका विधानसभा का जितना भी बेरोजगार युवा है उस सबको तो नौकरी तो नहीं मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारा ऐसे हो गया